बार बार लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बन जाते हैं लोग, 10-10 साल में एक आदमी डॉक्टर बनता है तब जाके 1.5-2-2.5-3 लाख रुपए कमाता है। यहाँ पे लोग 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग 15-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लाभ यहाँ पे लोग चार्टर्ड प्लेन चलाते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास याच है, जिनके पास प्राइवेट आइलैंड है। डॉक्टर के नसीब में ये नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नसीब में ये नहीं है, फिल्म स्टार के नसीब में ये सब नहीं है। जो सुविधाएं, सुख, संपन्नता, मस्ती नेटवर्कर के सुख में है, किस्मत में है, वो बहुत सारे बड़े बड़े अमीरों के भाग्य में नहीं है। तो ऐसा एक डॉक्टर 10 साल के बाद MBBS करता है, MD करता है, कितना सैलरी मिलता है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। हेलो, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यहां पर 26 साल, 27 साल, 28 साल के लड़के 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं आपके सामने कि नहीं? हेलो, कमा रहे हैं कि नहीं? आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो 5 लाख रुपए कमाते हैं? आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो 4 लाख, 3 लाख कमाते हैं? यस, आप ही के बीच में होंगे। द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड द एवरेज, दुनिया कभी भी एवरेज आदमी को रिवॉर्ड नहीं देती है। क्या नहीं है, करो ना जिंदगी में, मत रोना। बहुत लोग रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं आऊंगा कैसे, मेरे तो बहुत दूर रहता हूँ जी, और मेरे पास तो पैसे नहीं। ऐसे ऐसे रोने रोएंगे, हे खुदा, दिल कर रहा बुलेट मार दूं उसकी छाती में। देखो, हनुमान जी की मूर्तियां भले ही लाफिंग बुद्धा की तरह हंसती हुई ना हो, लेकिन इनके मन में जो प्रसन्नता है ना, वो छलाके मारती है बार बार, और वही इनके पूरे के पूरे जीवन का सार है। ये कभी ना उदास हुए, ना परेशान हुए, ना टेंशन में आए, और ये इनकी पूरी की पूरी जीवन का मनोविज्ञान का सार है कि प्रसन्न मन आदमी को कहीं भी पहुंचा सकता है, प्रसन्न मन से आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी सेल्स करने जाए, बिजनेस को डेवलप करने जाए, उदास मन से मत जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का, जीवन में कामयाब होने का पहला सूत्र यह है कि आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कुछ नहीं है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मैं आगे जा सकता हूं। दिल्ली में कोई कुछ नहीं किया, इसका मतलब बहुत बड़ा रास्ता है हमारे लिए काम। अरे, किसी ने गाड़ी नहीं ली, सबसे पहले अपन लेंगे, इसका मतलब इट्स अ थॉट प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। जो नहीं है, राम जी ने रोना रोया, मेरे को तो कुछ नहीं है, बीवी को ले गया, मैं क्या करूं, हाय राम, रोए। आप सोचो क्या ड्रास्टिक जिंदगी। 14 साल का वनवास, 16 साल वनवास है, भगवान राम जी को 16 साल, 16 साल को एज होती है सर, 16 साल की उम्र भगवान राम को वनवास, 16 साल की उम्र, क्या रोए? क्यों कर दिया, मैंने क्या गलती की, बट मैंने दिए थे, जिसने दिए वो भुगते, हमारे को लटका रहे भाई। 14 साल, 16 साल की उम्र वनवास हुआ माई डिफरेंस, और वनवास की कहानी एक से बढ़कर एक खतरनाक है, समय होता जरूर बता। इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, बीवी तक कोई ले गया, रोए रोए, फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है। एग्जाम्पल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेवेलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सोवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया, और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पर ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको होल्ड किया है। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। साइड इज क्लियर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे के चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या द्वंद चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई, सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर सादे की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। कभी जिंदगी में कंपेरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले 0.5 किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर एक महीने के बाद 2 किलोमीटर गिरा। मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे ज्ञान का, और तुम
दो वनवासी भाई, मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना के लिया, मैंने काल को बांध रखा था, और तुम दो वनवासी नंगे पैर आ गए और मेरी धरती पे मुझको हरा के चले गए। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी धरती पे लड़ रहा हूं। अपने एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है, किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम सात समुद्र पार मुझसे लड़ने आए। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरत एक चीज की है, और वो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है ना जनाब, वो स्फूर्ति वाला होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो जबरदस्त होना चाहिए। गरीब को पकड़ने की बाली को ध्यान से सुनिए, गलत का साथ नहीं दिया। सुग्रीव को पकड़ने की बाली को, और बाली को पकड़ते ज्यादा फायदे में रहते। अगर बाली से भगवान राम हाथ मिलाते तो ज्यादा फायदे में रहते, क्योंकि जब वो सुग्रीव के आंगन में पहुंचे तो बाली भी था, और बाली भी बराबर भक्त था भगवान राम का जैसा सुग्रीव। और अगर बाली से हाथ मिलाते तो युद्ध चलता 10 सेकंड या युद्ध चलता आधा दिन, क्योंकि बाली रावण को पहले ही हरा चुका था। रावण को बाली पहले ही हरा चुका था। भगवान के पास ऑप्शन थी कि सुग्रीव को पकड़ू कि बाली को, लेकिन भगवान ने बाली को नहीं पकड़ा, सुग्रीव को पकड़ा। अगर बाली को पकड़ लेते तो इतना लंबा नाटक होता, बाली जाता रावण के तो लगाता, पहले भी बाली